नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर किए हैं जिनको करके आप ज्यादा देर तक फोकस रह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी वर्क को टर्मिनेट करने का मेन कारण डिस्ट्रैक्शंस ही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कर रहा है मोबाइल फोन को टच करने का, उसको इस्तेमाल करने का, तो हम अपने फोकस को खो देते हैं। उस सोर्स की पहचान करना जो हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण है, उसका पता करना और उसको खत्म करना। अगर हमें ये पता हो कि हमारे डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण क्या है, क्या सोर्स है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जब हम वर्क कर रहे होंगे, एक तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज को कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, साथ में हमारा एक इम्पोर्टेंट वर्क भी पेंडिंग पड़ा है जिससे हमें सिर्फ स्ट्रेस होगा काम को लेकर के। जितनी कम हमारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उतना ही अच्छे से हम कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हैव अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का पॉइंट मैंने कई वीडियोस में इस्तेमाल करा है। इस वीडियो में भी हमारे फोकस को डेवलप करने के लिए और हमें फोकस रहने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने एनवायरनमेंट की ही एक तरह से कॉपी होते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और हमारी हेल्प करता है फोकस रहने के लिए, तो हम किसी भी काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। एनवायरनमेंट का हमें सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हम ज्यादा देर तक फोकस रह सकते हैं और किसी भी काम को अच्छे से बढ़िया तरीके से पूरा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है पिक ओनली वन एक्टिविटी। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर जिसको नेचर ने बनाया है। अगर हम अपने कंप्यूटर रूपी ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोड कर देंगे तो वो हैंग करना शुरू कर देगा। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम करें, एक एक्टिविटी तरफ फोकस करें और उसको ही पूरा करें। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है। अगर हम ज्यादा देर तक फोकस रखें किसी एक्टिविटी को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक एक्टिविटी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा चीजों पर ध्यान देने से काम अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करें, उसको अच्छे से पूरा करें, उसके बाद ही दूसरी चीज पर जाएं। अगर हम एक टाइम पर एक एक्टिविटी की जगह ज्यादा एक्टिविटी लेकर के बैठ जाएंगे तो हम उनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें और उसको अच्छे से पूरा करें। फोर्थ पॉइंट है रेगुलरली प्रैक्टिस द सॉलिट्यूड एंड स्टिलनेस स्टेज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जिस तरह से हम अपने ब्रेन को फंक्शन करने के लिए डेवलप करेंगे, हमारा ब्रेन वैसे ही डेवलप होगा फ्यूचर में आगे वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं साथ में डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग है किसी एक्टिविटी को करने की, वैसे ही डेवलप हो जाएगी। लेकिन अगर हम पूरे दिन में 2 मिनट शांति से बैठ करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान लगाएंगे और रेगुलरली इस चीज को करेंगे, तो हम अपने फोकस को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। पूरे दिन में सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट दे करके हम फोकस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वर्क्स इन 30 मिनट चंक्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि पूरे दिन सिर्फ ये सोचते रहने कि मैं काम करूंगा, फिर काम को शुरू करना, उसमें डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि हम पूरे काम को कुछ टाइम पीरियड के चंक्स में बांट दें। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टडी करने के शेड्यूल को 2 घंटे का ना रखे, आधे घंटे के टाइम पैकेट से बांट देंगे तो हम अच्छे से फोकस रहकर के काम को कर पाएंगे। पूरे दिन पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कुछ देर पढ़ना और फोकस रहकर के पढ़ना, अच्छे से पढ़ाई को करना। पूरे दिन ये सोचना कि मैं अब पढ़ूंगा, फिर पढ़ाई को स्टार्ट करना, साथ में डिस्ट्रैक्ट होना, वो यूजफुल नहीं है। अगर हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हमें पूरे स्टडी शेड्यूल को आधे घंटे के टाइम पैकेट में बांट करके अच्छे से पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। 2 घंटे की स्टडी करना बीच में 20 बार डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है आधे घंटे के वर्क पैकेट में पढ़ाई करना, साथ ही टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना, सब्जेक्ट को अच्छे से और पूरा समझना। जो पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अच्छे से फोकस रह करके किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। That's all in this video. Thanks for watching. Please video को like and share जरूर करिएगा।